उमेश अरोड़ा फ्रॉम कैडकैम सॉल्यूशन मेरठ, और आज हम लोग एक बॉल बेयरिंग बनाने वाले हैं और इसके सारे पार्ट्स को हम अलग अलग बनाएंगे और बाद में असेंबल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आउटर रिंग से। तो उसके लिए मैंने एक प्लेन ही सेलेक्ट कर लिया है और रेक्टेंगल में जाके मैं एक सेंटर मेथड के थ्रू एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इसकी डायमेंशन कर लेते हैं। ये जो है इसे डबल क्लिक करता हूँ मैं और ये डिस्टेंस 12 होनी चाहिए और ये इस सेंटर से ये जो गैप है ये 53 का गैप है। थोड़ा सा जूम कर लीजिए और ये वाला जो गैप है ये है 31 और इसके अलावा ये वाला जो गैप है इसे डबल क्लिक करता हूँ और ये हो जाएगा 15.5 का, सेंटर पे आ गया। इसके बाद मैं लेता हूँ एक सर्कल और सर्कल ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और ट्रिम मेथड से इसे मैं ट्रिम कर देता हूँ और ये जो सेंटर है ये सेंटर आना चाहिए 8 के गैप पे, रेडियस होना चाहिए 12 का और डाया 24 का और ये हमारा ठीक आ ही रहा है। पर सेंटर को मैं क्लिक करता हूँ और वर्टिकल एक्सिस के साथ कॉन्सिलेंट कर देता हूँ। ये एक गैप है ये ऑटोमेटिकली सेम ही आएगा तो मैं इसे डबल क्लिक करके एंटर कर देता हूँ। तो ये हमारा स्केच जो है ये डिफाइन हो चुका है, ये ठीक आ गया है और एक्सेस ये वाला लेंगे हम। तो इसे फिनिश करता हूँ मैं और यहाँ से हम जाके देते हैं रिवॉल्व और सिलेक्ट द स्केच एंड देन स्पेसिफाई द एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन एंड द ओरिजिन पॉइंट मस्ट बी ओरिजिन और यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो ये हमारा आउटर रिंग हो गया है। स्केच को मैं हाइड कर देता हूँ और आउटर जो हमारे ये है इस पर मैं 2 कप फिलिट कर देता हूँ और ओके। इसके बाद ये मेरा आउटर पोर्शन बन गया, आउटर रिंग बन चुकी है। इसे अगर चाहते हैं तो हम व्यू से कोई कलर अप्लाई कर सकते हैं पर मैं इसे सेव कर देता हूँ। आउटर रिंग फिर अगेन मैं एक और नया पार्ट लेता हूँ। अब इनर रिंग के लिए मैंने सेम वही प्लेन सिलेक्ट किया है एक्स जेड जो मैंने पहले लिया था। फिर रेक्टेंगल लेंगे और सेंटर रेक्टेंगल लेके एक दूसरा रेक्टेंगल मैंने ये बना दिया और इसकी डायमेंशन स्पेसिफाई कर देते हैं। ये जो गैप है ये होना चाहिए एक्स से 25 के गैप पे, ये वाला गैप 12 होना चाहिए, ये डिस्टेंस मैंने 12 ले ली है और ये जो है इसे डबल क्लिक करके लेता हूँ मैं 15.5 और ये जो टोटल है ये होगा 31 और थोड़ा जूम कर लीजिए। फिर सेम वही सर्कल लेता हूँ और सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ये होना चाहिए 24 का जैसा पहले हमने लिया था और ये 8 पे है इसका सेंटर सर्कल का और इसको मैं क्लिक करता हूँ और वर्टिकल एक्सिस के साथ कर देते हैं कॉन्सिलेंट और कुक ट्रिम से जाके इसे कट कर देते हैं और ये कट हो गया। तो ये मेरा बन गया है इनर रिंग का स्केच। फिर रिवॉल्व लेते हैं, सेलेक्ट करिए वेक्टर और फिर ओरिजिन, यहाँ से क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिन की 0 0 आ रहा है और ओके।
और फिर यहाँ से फिलेट लेते हैं और फिलेट टू का ही रखते हैं और ये फिलेट लगा दिया। स्केच को कर दीजिए हाइड, इसको भी मैं सेव करता हूँ इनर रिंग। अब हमें चाहिए इनके बीच में जो बॉल लगेगी, तो एक नया पार्ट लेता हूँ मैं और फिर यहाँ से जाके सेम प्लेन फेस सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके एक सर्कल लेते हैं और सर्कल का जो डाया है 24 का और इसे मैं हाफ कर लेता हूँ और ट्रिम, ये ट्रिम कर लिया है। ये कुछ डायमेंशन शो कर रहा है तो इसे स्पेसिफाई कर देते हैं। यहाँ से करते हैं फिनिश और अगेन सेलेक्ट द रिवॉल्व एंड सेलेक्ट द स्केच एंड स्पेसिफाई द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन एंड ओके और हाइड द स्केच। सो बॉल हमारा ये बन गया है, इसको भी सेव करते हैं, सेव एज बॉल। अब एक हमें केज चाहिए, उस केज के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ और इस वाले फेस को सिलेक्ट करा किया टॉप को और यहाँ पे जाके मैं सर्कल लूँगा और सर्कल मेरे को यहाँ पे चाहिए एक 94 का डाया, फिर एक मेरे को चाहिए 86 का डाया, दो सर्कल। अब इसे मैं करता हूँ यहाँ से फिनिश और इसे हम कर लेते हैं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड लेंगे और सिमेट्रिक वैल्यू, और सिमेट्रिक वैल्यू में आप इसे ले लीजिए 16 और ओके। और स्केच को कर देते हैं हाइड। अब इसके बाद ये इसको मैं 16 का 8 कर देता हूँ सो डेट की टोटल 16 आ जाए। अब स्केच लेते हैं और ऊपर वाला जो फेस है इसे मैंने सेलेक्ट किया और ओके, और ऊपर वाले फेस पे जाके एक सर्कल लेता हूँ मैं सेंटर और जो डायमीटर है वो रहेगा 90 से ये इसके मिडिल पे आ जाएगा। और एक सर्कल और लेता हूँ, क्वाड्रेंट पे चाहिए और क्वाड्रेंट है ये और यहाँ पे बॉल था 24 का डाया तो 24 का डायमीटर का मैंने बॉल ले लिया और ये तो आएगा ही, इसे मैंने क्लिक कर दिया। और इसके बाद मैं एक लाइन लेता हूँ और फिर ट्रिम लेते हैं, ये मैंने ट्रिम कर दिया है और ये एक डिस्टेंस कुछ इस वाले सर्किल को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू रेफरेंस कर देता हूँ और फिर यहाँ से फिनिश करते हैं। और यहाँ से जाके मैं लेता हूँ इस बार रिवॉल्व दिस स्केच विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सेस एंड दिस टाइम वी विल सब्ट्रैक्ट इट एंड सी व्हाट कम्स। इस टाइप से आ जाएगा और हम लेते हैं फिलेट और इस वाली एज को और इस एज को, दोनों को मैं राउंड कर देता हूँ। और अब इस पूरे को हमें करना है पैटर्न, तो इसको सिलेक्ट किया होल्ड कंट्रोल की देन सेलेक्ट एंड नाउ वी विल सेलेक्ट पैटर्न फीचर एंड आई यूज दिस सर्कुलर मेथड एंड सेलेक्ट द वेक्टर एंड एक्सेस ओरिजिन एंड पैटर्न काउंट विल बी 8 एंड देन क्लिक ओके। और इसके बाद ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब हम इसे कर देते हैं शेल, तो शेल लेते हैं, रिमूव फेस, ये फेस मेरे को नहीं चाहिए, ये फेस मेरे को नहीं चाहिए और ये फेस भी नहीं चाहिए, तो ये पूरा इस टाइप से आ जाएगा। और थिकनेस जो रहेगी वो मैं लेता हूँ 1.5 और ओके। तो ये केज
हमारा बन गया है और यहाँ पे भी हमें होल चाहिए, तो उसके लिए मैं स्केच लेता हूँ या आप बैकली होल कमांड से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम क्लिक करिए, ओके, स्केच से ही यूज़ करता हूँ मैं, और यहाँ पे सर्कल सेंटर और 90 का डाया, एक सर्कल और चाहिए और ये होगा यहाँ पे जाके क्लिक 2 का डायमीटर का, और एक लाइन लेते हैं आ गया है, और फिर यहां से मैं लेता हूं, सॉरी रेडियल नहीं, एंगुलर लेना है, तो एंगुलर लेंगे, एंगल ठीक, तो एंगल यहां पे आएगा हमारा 8 लिए हैं, तो एंगल ऑफ 45 बैठेगा डिफरेंस, और हाफ है तो यहाँ से आएगा 45 का हाफ 22.5। तो ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा सर्कल, और इसको मैं कर देता हूँ रेफरेंस में कन्वर्ट, लाइन ये भी रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर फिनिश करेंगे और एक्सट्रूड लेके इस सर्कल को मैं कट कर देता हूँ और ओके स्केच भी कर देते हैं हाइड, और इसे हम करते हैं पैटर्न, और ओके, और इसको हम कर देते हैं सेव। सेव हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू, और न्यू में हम लेंगे असेंबली, और असेंबली बन या बॉल बेयरिंग जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। अब इसके अंदर मैं ओपन करता हूँ इनर आउटर बॉल और केज, ये 4 पार्ट्स हैं, और यहाँ से सिलेक्ट करिए आपको शो हो जाएगा। तो ये जो है कहाँ पे आप रखना चाहते हैं ओरिजिन, ये वो शो कर रहा है, तो क्लिक कर देते हैं मैं ऐसे, क्लिक कर दिया और ओके कर देते हैं, ये मेरे सारे पार्ट्स यहाँ पे आ गए, पहला पार्ट ये है मेरा, दूसरा तीसरा यहाँ पे आ रहे हैं, ये सारे पार्ट जितने भी हैं ये हमने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। अब मैं जाता हूँ ये आउटर वाला जो है केज, इसे मैं यहाँ से रिप्लेस रेफरेंस सेट में जाके एंटायर पार्ट करता हूँ, इससे सारे प्लेन्स के शो हो जाएंगे, और दूसरा ये है इसे जाके क्लिक करता हूँ और इसे कर देते हैं एंटायर पार्ट। अब इन दोनों को असेंबल करना है, तो यहाँ से असेंबली कंस्ट्रेंट पे जाएंगे, और यहाँ से जाके मैं पहले तो फिक्स लेता हूँ, और ये मेरा फिक्स रहने वाला है, तो इसे मैंने फिक्स कर दिया। आप फिर प्रीफर टच में जाएंगे, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ ये प्लेन, और ये प्लेन मैच होना चाहिए, और फिर मैं लेता हूँ एक्सेस, ये एक्सेस और ये एक्सेस मैच होना चाहिए, तो ये मेरा दोनों मैच हो गए हैं, अप्लाई कर देते हैं। और इस बाहर वाला जो केस था आउटर रिंग, उसको मैं जाके कर देता हूँ मॉडल, उसके प्लेन हाइड हो जाएंगे। अब बॉल को लेते हैं, बॉल पर राइट क्लिक करेंगे और एंटायर पार्ट, फिर यहाँ से मैं लेता हूँ असेंबली कंस्ट्रेंट, और असेंबली कंस्ट्रेंट में जाके मैं लेता हूँ ये प्लेन, इस प्लेन के साथ अलाइन, सेलेक्ट प्रॉपरली नहीं हुआ लग रहा है, कैंसिल करते हैं, फिर दोबारा से लेते हैं
और ये जो प्लेन है वो इस प्लेन के साथ अलाइन। ये कुछ एक्सिस को उसने ले लिया है और फिर मैं लेता हूँ इस फेस को सिलेक्ट करते हैं और आउटर के साथ, तो ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा और कर देते हैं इसे हम ओके। इसके बाद ये जो बॉल है इस बॉल को मैं राइट क्लिक करके मॉडल कर देता हूँ और यहाँ से पैटर्न कंपोनेंट लेते हैं और ये वाला मेरा पार्ट है एक्सिस सेंटर नंबर ऑफ आइटम 8 आ जाएंगे और ये जो है हमारा केज इसको मेरे को मूव में जाके मूव करना पड़ेगा ताकि जो है ये प्रॉपरली ओरिएंटेशन में आ जाए और ये कर दीजिए आप 19 और थोड़ा इसके पास भी ले आता हूँ मैं और ओके। अब इनको हमें असेंबल करना है तो इस पर जाके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से लेता हूँ मैं एंटायर पार्ट और फिर कंस्ट्रेंट ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के साथ अलाइन, बिल्कुल ठीक अलाइन हो गया है। फिर ये जो सिलेंड्रिकल फेस है स्फेरिकल फेस है वो इस स्फेरिकल फेस के साथ ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और ओके। और इसे भी क्लिक करता हूँ मैं और इसे कर देते हैं मॉडल और इसको हमें मिरर करना रहता है नीचे की तरफ, इसे मैं मिरर करता हूँ अभी। अब इसको हम मिरर कर लेते हैं, इधर नीचे की तरफ भी चाहिए तो मिरर असेंबली में जाएंगे, नेक्स्ट करिए, ये हमारा पार्ट है, नेक्स्ट करेंगे प्लेन, प्लेन मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट करता हूँ और नेम में ऐड दिस एज ए प्रीफिक्स टू द ओरिजिनल नेम, प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा और सेम डायरेक्टरी में जाकर सेव होने वाला है और नेक्स्ट करिए और फिनिश और ये आ गया है। प्लेन हाइड कर देते हैं, प्लेन हमें नहीं चाहिए तो कंस्ट्रेंट शो हो रहे हैं, कंस्ट्रेंट नहीं चाहिए तो कंस्ट्रेंट पे जाके भी ये कंस्ट्रेंट सबको सिलेक्ट करेंगे और कर देते हैं इन्हें हाइड, ये हमारा बन जाएगा। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसको रेंडर करके दिखा सकते हैं रेंडर स्टूडियो में। अगर आपको हमारा गाना हमारा वीडियो जो है ये प्रॉपरली समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए किस टाइप का आपको कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आई और आपका हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल किस टाइप से लगा कैसा लगा है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।